नमस्कार, मैं हूं महाराज। आज की है, हमारी राशि है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। और कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े शीतल शांत स्वभाव के नहीं होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं। कितनी सच बात है आज की हमारे सेलिब्रिटी श्रेयस तलपड़े के लिए। श्रेयस तलपड़े, मैं जानता हूं तुम फिल्मों में कैसे चल पड़े। बुरा मत मानना मेरे भाई अगर मेरे मुंह से सच निकल पड़े। बता दूं सबको कि तुम फिल्मों में कैसे चले, तुम्हारे टैलेंट की वजह से। किसी फिल्म में आप गूंगे बने हो, किसी में हकले बने हो, किसी में बहरूपी। अरे भाई, फिल्म इंडस्ट्री में तुम टैलेंट दिखाने आए हो या कमजोरी दिखाने आए हो? भाई तुम्हें तो गेस करना ही मुश्किल है, क्योंकि मंगल की कृपा से तुम्हें गेस सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है नागेश। लेकिन नागेश खुद कहाँ है ये गेस करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए हम सब कहते हैं भले नागेश आप कहीं भी रहो, हम पे जिम्मेदारी मत डालो, बिकॉज यू आर नागेश। तुमने बहुत सारी सोलो फिल्में की है। तुम्हारी सोलो फिल्म देखने जब मैं गया तो मेरा बाजूवाला मुझसे कहता है, गुरुजी सोलो फिल्म है सोलो। ये जो सोने वाली फिल्में हैं ये तो डॉक्टर अपने मरीजों को दिखाएंगे, उन मरीजों को जिनको रात को नींद नहीं आती है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की आर्टिस्टिक फिल्में, जैसे बेनेगल साहब की फिल्म की थी आपने, वो पेनेगल हुई, दर्द हुआ था मुझे भी, मैं देखने गया था। लेकिन खैर, इस टाइप की फिल्में करना बंद करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी फिल्में करो जो लोगों को बहुत हंसाए, क्योंकि तुम्हारा कॉमेडी टाइमिंग अच्छा है और टाइम भी सही चल रहा है। तो गोलमाल जैसी फिल्म करो, क्योंकि हर आदमी का गोल माल कमाना ही होता है। तल पड़े, हमेशा चल पड़े। आशीर्वाद।